हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मूवीज फैन इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हॉलीवुड की टॉप 10 स्पेस टाइम मूवीज के बारे में। और जो मूवीज मैं आपको बताऊंगा उसमें से 6 हिंदी में और बाकी की 4 इंग्लिश में है, और उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने इस लिस्ट में स्टार ट्रेक, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और स्टार वॉर जैसी सीरीज मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं की है। देखिए, ये तो पॉपुलर सीरीज है, इन्हें तो आपने देख लिया होगा, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपको कुछ और नई मूवीज के बारे में जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। नंबर टेन पर आते हैं एल्यूजियम, और इस मूवी के हीरो है मैट डिमोन। और अगर मूवी की स्टोरी पाए तो मूवी में रहते हैं दो तरह के लोग, एक तो वो जो कि बहुत ज्यादा रिच हैं और वे रहते हैं स्पेस स्टेशन में जिसका नाम है एल्यूजियम, और दूसरे तरह के लोग रहते हैं अर्थ पर जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तो मूवी में मैट डिमोन कोशिश करते हैं अर्थ से एल्यूजियम पर जाने की। तो अब आप मूवी में देखेगा कि वे क्यों जाना चाहते हैं एल्यूजियम पर और क्या वे वहां पर जा पाएंगे या नहीं। नंबर नाइन पर आती है मून। मूवी की स्टोरी में सैम बेल को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का मून पर, जहाँ पर वो रह रहे हैं और अब सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे हैं। देखिए, ये एक सर्वाइविंग स्टोरी है कि मूवी में यही है कि सैम क्या जा पाएंगे मून से अर्थ पर, लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि वे अकेले नहीं है, उनकी वाइफ टीज। नंबर एट पर आते हैं फिफ्थ एलिमेंट। ये मूवी रिलीज हुई थी 1997 में। मूवी की शुरुआत होती है 23rd सेंचुरी से, जहाँ पे ह्यूमन काइंड फेस कर रहे हैं एक इवल को, और इंसानों की सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो है फिफ्थ एलिमेंट, जो कि अर्थ पर आता है हर 5000 साल बाद। तो बाकी की स्टोरी मूवी में देखेगा क्या वे इवल से जीत पाते हैं या नहीं। नंबर सेवन पर आते हैं सनशाइन। मूवी में ह्यूमंस फिगर आउट करते हैं कि अब से 50 साल बाद फ्यूचर में सन यानी कि सूरज नहीं रहेगा, यानी कि वो मर जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ पर भी लाइफ नहीं रहेगी। तो वे अपने एक एस्ट्रोनॉमर की टीम भेजते हैं सन को बचाने के लिए, लेकिन वे हो जाते हैं फेल। और फिर इसके 7 साल बाद वे दूसरी टीम भेजते हैं जो कि मैनकाइंड की आखिरी उम्मीद है। तो मूवी के अंदर यही है क्या वे सन को बचा पाते हैं या नहीं। नंबर सिक्स पर आती है अपोलो 13। मूवी आई थी 1995 में, लेकिन ये मूवी बेस्ड एक असली स्टोरी पर। मूवी में 3 एस्ट्रोनॉट्स निकल रहे होते हैं अर्थ के ऑर्बिट से बाहर, यहीं से शुरुआत होती है उनकी प्रॉब्लम की और मूवी की स्टोरी की। उनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो बस मूवी में यही है कि इसके बावजूद क्या वे अर्थ पे जा पाते हैं या नहीं। देखिए, इस मूवी को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया, तो आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर फाइव पर आती है सोलारिस। मूवी में भेजा जाता है क्रिस कैल्विन को एक स्पेस स्टेशन पर, जहां जाकर उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होता है एक मिस्टीरियस प्लेनेट जिसका नाम है सोलारिस। तो बाकी की स्टोरी मूवी में देखिएगा कि उन्हें क्या पता चलता है सोलारिस पे जाके। नंबर फोर पर आते हैं ग्रेविटी। मूवी आई थी 2013 में, और ये मूवी बेस्ड है स्पेस डेब्रिस पर। देखिए, स्पेस डेब्रिस यानी कि ये जो कंपनी बेस थी अपनी सैटेलाइट को स्पेस में, जब वे सैटेलाइट काम करना बंद कर देती हैं, वे बन जाती हैं वेस्ट, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वे चक्कर लगाने लगती हैं अर्थ की। तो वेस्ट ऑफ सैटेलाइट और जो बाकी चीजें घूमते रहते हैं अर्थ के आसपास, उन्हें कहते हैं स्पेस डेब्रिस। देखिए, ये मूवी 95% पूरी की पूरी स्पेस में है। मूवी में एक एस्ट्रोनॉट जो कि शिकार हो चुकी है स्पेस डेब्रिस की, वो वापस जाना चाहती है अर्थ पर, तो एक सर्वाइविंग स्टोरी है उसकी। तो मूवी के एंड में आपको पता चलेगा क्या वो अर्थ जा पाती है या नहीं। नंबर थ्री पर आती है द मार्शियन, और इस मूवी के भी हीरो हैं मैट डिमोन। देखिए, अगर आपने एल्यूजियम मूवी देखी होगी तो आप बस इसे उल्टा कर दीजिए, यानी एल्यूजियम मूवी में जाना चाहते थे अर्थ से एल्यूजियम पर, लेकिन मार्शियन मूवी में वे जाना चाहते हैं मार्स से अर्थ पर। देखिए, मूवी की स्टोरी तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैट डिमोन उगाते हैं मार्स पर आलू। तो ये बहुत ही अच्छी मूवी, आप इसे फैमिली के साथ देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर टू पर आती है 2001 के स्पेस ओडिसी। देखिए, मूवी के टाइटल में जरूर 2001 है, लेकिन मूवी आई थी 1968 में। और अगर मूवी की स्टोरी पाए तो देखिए, मूवी एक एवोल्यूशन के बारे में, मूवी चल रही होती है 2 टाइम पीरियड में, एक तो 4 मिलियन ईयर्स तक और दूसरा 2001 फ्यूचर के आसपास। तो 5 एस्ट्रोनॉट्स का मिशन होता है जुपिटर का, तो इसे बाकी स्टोरी आप मूवी में देखिएगा। नंबर वन पर आते हैं इंटरस्टेलर। देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि इंटरस्टेलर मूवी हिंदी में नहीं है। देखिए, दोबारा कह रहा हूँ, हिंदी में नहीं है, क्योंकि मेरी टॉप 10 वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि भाई इंटरस्टेलर मूवी चाहिए हिंदी में। देखिए, इस मूवी का हिंदी में सबटाइटल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ये मूवी हिंदी में नहीं है। और अगर आपको इसका हिंदी में लिंक मिल जाए कहीं से तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर दें। और अगर बात करें मूवी की स्टोरी की, तो ये मूवी काफी इमोशनल है। मूवी की मेन हाईलाइट है एक पिता जो कि दूसरी गैलेक्सी में, और वो मिलना चाहता है अपनी बेटी से जो कि अर्थ पर है। इस मूवी के एक्टर है मैथ्यू मैकोनही, और इस मूवी को देखने के बाद आप जरूर उनके फैन हो जाएंगे। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर है क्रिस्टोफर नोलन, जो इंसेप्शन, डार्क नाइट, प्रेस्टीज और डनक्रिक मूवी को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। मेरे लिए तो वे वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के, और पर्सनली कह रहा हूँ बाकी की 9 मूवी चाहे मत देखेगा, लेकिन इस मूवी को आप जरूर देखेगा, क्योंकि इस मूवी में आपको ब्लैक होल, वर्म होल्स और 5th डायमेंशन जैसी चीजें देखने को आपको इसमें मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, ये मैंने बताई आपको हॉलीवुड की टॉप 10 स्पेस टाइम मूवीज। इसके अलावा और भी मूवीज थी जैसे गैलेक्सी क्विस्ट, कॉन्टैक्ट, वॉली,
इंडिपेंडेंस डे, द राइट स्टफ, स्पेस बॉल्स और प्लैनेट ऑफ द एपीस एक्सेट्रा। और जो मैंने पहले ही कहा था कि सब मूवी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर कोई लिंक डेड हो जाए, जो कि 110% डेड होंगे ही, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।